जय श्री राम सब लोगों को। वेलकम बैक टू माई चैनल, बैक अगेन न्यू फ्रेश वीडियो आपके लेकर आ गए हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो निसान मैगनेट के ऊपर रहने वाली है और ये मॉडल है एक्सेल मॉडल है। इसमें हम पूरा इंटीरियर करेंगे, डैशबोर्ड, डोर पैनल, सीट कवर, सारी चीज़ें इसमें करेंगे हम। डोर पैनल भी करेंगे, सीट कवर, डैशबोर्ड, पिलर, फ्लोरिंग, डोर पैनल भी है इसमें। डोर पैनल जो कपड़ा रहने वाला है वो साका लेदर लगाएंगे हम। सीट कवर में भी साका लेदर लगाएंगे मयूर का। क्वालिटी चेक करना, और वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। पीछे भी आपका वाइट और रेड का रहेगा। अभी तो बस गाड़ी आई है और बिल्कुल कपड़ा चढ़ा, बिल्कुल पन्नी चढ़ी हुई आई है गाड़ी। आप चेक कर लो, पन्नी चढ़ी हुई है। इसमें हम पूरा इंटीरियर करेंगे, पिलर भी करेंगे, ब्लैक है वाइट कर देंगे पिलर। डैशबोर्ड जैसे क्रीम कलर का है, ये वाइट करेंगे। निसान मैग्नेट में सारा काम शुरू हो गया है, राजू भैया ने बस ओपन कर दिया। राजू भैया क्या कर रहे हो आप? भैया पन्नी हटा रहा हूँ मैं, इसमें डैम्पिंग होगी। मतलब ये पन्नी हटा के आप इसमें डैम्पिंग शीट लगाओगे? डैम्पिंग शीट कौन सी कंपनी की रहेगी? डैम्पिंग शीट सोनालेक्स की रहेगी। कौन सी कंपनी की? सोनालेक्स की। सोनालेक्स की रहेगी डैम्पिंग शीट। ओके, इसमें चारों मतलब हर गेट में एक शीट लगाएंगे और चारों गेटों में चार शीटें लग जाएंगी डैम्पिंग शीट की। बस सीट्स भी ओपन होने वाली है हमारी, सीट्स भी ओपन होने वाली है। फिर इसमें रेड वाइट कलर का सीट कवर लगाएंगे और देखना गाइस कितना बढ़िया लगेगा सीट कवर लगने के बाद। बस ओपन होने देते हैं, फिर आपको लगाने के बाद मैं जरूर दिखाऊंगा सीट कवर की लुक। राजू भैया ने निसान मैग्नेट में डैम्पिंग स्टार्ट कर दी है, आप चेक कर सकते हो। सोनालेक्स की डैम्पिंग लग रही है और राजू भैया ने स्टार्ट कर दिया डैम्पिंग लगनी। तीन गेट पे लग चुकी है, फिटिंग चेक कर सकते हो। लो फिटिंग चेक करो गाइस, आप मैग्नेट में डैम्पिंग लग चुकी है, सोनालेक्स की लगी है। पर लास्ट गेट रहेगा उसमें डैम्पिंग लगनी रह गई है। अब इसकी फिटिंग चेक करो गाइस, मतलब एच टू एच फिटिंग हुई है। इससे आपकी साउंड भी अच्छी आती है और गेट भी थोड़ा हैवी हो जाता है, बाहर की वाइब्रेशन और अंदर की वाइब्रेशन बाहर नहीं आती। तो राजू भैया को लगाने देते हैं। और गाइस आपको एक मेन इंपॉर्टेंट और चीज बता दूं, हमारे पास निसान मैग्नेट का स्टीयरिंग कंट्रोल अवेलेबल हो गया है। स्टीयरिंग कंट्रोल हमारे पास आ गया है, जो जो आज जिसको लगवाना है वो हमारे पास आ सकता है। बिल्कुल कपलर टू कपलर फिटिंग होगी, विद हब के साथ दूंगा और विद फिटिंग दूंगा। जिसको लगवाना है अब लव कार पे आ सकता है, कपलर टू कपलर फिटिंग। अब हमने इसमें हेडलाइट के ऊपर DRL भी लगाई है, इंडिकेटर वाली, रनिंग लाइट वाली। अब चेक कर लो इसको भी। और हमारी जो हेडलाइट के अंदर वाइट LED रही है वो सोनालेक्स कंपनी की रही है, 1 ईयर की वारंटी के साथ 6000 केल्विन्स। हमने इसमें फोक लैंप भी लगाए हैं, कस्टमर ने बोला था हमें येलो फोक लैंप लगाने, इसलिए हमने येलो लगाए। वाइट फोक लैंप भी आपको मिल जाते हैं लव कार पे, जिसको लगवाना है वो लव कार पे अब आ सकता है। गाइस हमारे पास डोर वाइजर न्यू लुक में भी मिल जाएंगे। अब पहले आप डोर वाइजर जिससे भी लगवाओ, पहले प्राइमर जरूर लगवाओ। जिससे भी आप डोर वाइजर लगाओ पहले प्राइमर लगवाना, फिर डोर वाइजर लगवाना। हमारे पास डोर वाइजर की न्यू लुक आ गई है हमारे पास। आप चेक करो इसको कितनी अच्छी लुक आ रही है, बिल्कुल जिग जैग में क्रोम फिनिशिंग। चेक कर लो आप, एक नंबर फिनिशिंग और 4 मैग्नाइट प्रॉपर मैग्नाइट के हैं। अब लुक चेक कर लो कितनी बढ़िया लुक आ रही है, इससे गाड़ी की पूरी लुक बदल गई इससे। आप देख लो वो क्रोम लाइन के, एक दूसरी वाले भी डोर वाइजर आते हैं ऊपर वाले, और ये वाले न्यू आए हैं अभी अभी। जिसको लगवाना है वो लव कार पे आ सकता है, प्रॉपर मैग्नाइट के। चेक कर लो आप फिटिंग, फिटिंग चेक करो कितनी बढ़िया फिटिंग आ रही है इसकी। गाइस बस आप फ्लोरिंग रह गई है, फ्लोरिंग लगेगी साफ पूरी गाड़ी की। पहले सफाई होगी नीचे से, फिर फ्लोरिंग लगाई जाएगी, बिल्कुल लेमिनेशन हो जाएगी पूरी गाड़ी नीचे से। आप देखो ये लेमिनेशन पूरी गाड़ी में बिछ जाएगी, साफ होने के बाद फिर बिछेगी। बिछने के बाद आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ लगाने के बाद। गाइस हमारी मैग्नेट में एम्बियंट लाइट भी रहने वाली है, पूरे चारों गेटों पे लगेगी और पूरे डैशबोर्ड पे लगेगी। ये वाली लगेगी, देखो ये वाली लगेगी। और भैया बस फिटिंग कर रहे हैं, फिटिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगा इसकी लुक दिखाऊंगा। पूरे डैशबोर्ड पे लगेगी और चारों पिलर, चारों गेटों पे। और ये वाली लाइट फोन से कंट्रोल रहती है पूरी। हमारी मैग्नेट में स्टीयरिंग कवर भी रहेगा, OEM वाली फिटिंग, रेड वाइट में लगेगा, मयूर का कपड़ा लगेगा और बिल्कुल रेड वाइट में कॉम्बिनेशन में। हमारा भाई सिलेगा बिल्कुल ऐसा सिल देगा, OEM वाली फिटिंग बिल्कुल ऐसा वाला। अब फोटो देख लो, ऐसा सिलेगा बिल्कुल। फिटिंग लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा जरूर कैसा लग रहा है ये स्टीयरिंग कवर। हमारे पास निसान मैग्नेट की L वाली DRL भी आ गई है
और निसान मैग्नेट की हेडलाइट भी आ गई है, टॉप मॉडल की हेडलाइट भी हमारे पास आ गई है, अवेलेबल हो जाएगी बिल्कुल DRL वाली और प्रॉपर फिटिंग और प्रॉपर कपलर के साथ लगी जाएगी, कपलर के साथ लगाई जाएगी L वाली DRL भी और हेडलाइट भी टॉप मॉडल की हमारे पास लव कार पे आ गई है। गाइज जिसका इंतजार का वो घड़ी आ गई है, हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, बस अब गेट ओपन करके आपको एक एक चीज दिखाऊंगा मैं, अब देखते रहना सारी चीज। अब बिल्कुल ऐसा सीट कवर लग रहा है, लग्जरी लुक आ रही है, खुद देखो इमेजिन कर रहो, आप खुद देखो, आपको मैं सामने वीडियो में दिख नहीं रहा होगा ढंग से, पर आप खुद देखो कितनी बढ़िया लुक आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सीट कवर लग्जरी लुक वाला। अब चेक करो सीट को, बकेट फिटिंग रेड वाइट में, हेडरेस्ट पे भी रेड वाइट दिया है मैंने कॉम्बिनेशन, और बिल्कुल अल्ट्रा फॉर्म वाले सीट कवर है ये देखो, इसी जो सीट होती है बड़ी नीचे होती है, फॉर्म वॉर्म लगा के मैंने बहुत ऊँची करवाई है सीट। आपका जो डैश स्टीयरिंग कवर चेक करो गाइस, स्टीयरिंग कवर कितनी अच्छी फिटिंग आ रही है, OEM वाली फिटिंग है स्टीयरिंग कवर, देखो आप कितनी यहाँ तक है, बिल्कुल स्टीयरिंग कवर चेक करो आप कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल उसी टाइप का लग रहा है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन में लग रहा है स्टीयरिंग कवर भी इसका। आप आर्मरेस्ट भी देखो रेड वाइट में लगवाया मैंने, वैसे आता ब्लैक कलर का है, मैंने रेड वाइट में कॉम्बिनेशन में लगवाया, ऑडी लुक वाला ही, बिल्कुल पूरी गाड़ी ऑडी लुक में बना दी मैंने आपकी रेड वाइट में। हमने इसमें डैशबोर्ड भी बनाया है, डैशबोर्ड भी क्रीम कलर का था, वाइट कर दिया इसको डैशबोर्ड भी, और इसके पिलर भी ब्लैक कलर के थे, वाइट कर दिए मैंने पिलर, आप देख लो पिलर भी वाइट हो गए इसके। और डोर पैनल की बात करूँ, डोर पैनल भी हमने वाइट करे हैं, डोर पैनल की फिटिंग चेक कर लो, बहुत लोग करते हैं फिटिंग इसकी, बहुत उठे उठे से रहते हैं डोर पैनल, इसकी फिटिंग देखो आप पीछे से भी फिटिंग देखो, बहुत लोग पीछे से फिटिंग नहीं दिखाते आपको, मैं पीछे से भी सीट कवर की फिटिंग दिखाऊंगा, डोर पैनल की दिखाऊंगा फिटिंग, कितनी बढ़िया फिटिंग आ रही है सच्ची मुच्ची गाइस, मुझे बहुत पसंद आए वाले सीट कवर, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी लुक है। इसमें एम्बिएंट लाइट भी आपको मैं चेक करा दूँ, एम्बिएंट लाइट भी चेक करो, बिल्कुल रेड वाइट सी लग रही है, कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है, और ये फ़ोन से कंट्रोल रहती है, फ़ोन से कलर चेंज भी कर सकते हो, फ़ोन दिखा देता हूँ आपको मैं, फ़ोन से कलर चेंज भी हो सकते हैं इसके, जैसे मर्जी कलर चेंज कर लो, बिल्कुल डैशबोर्ड में भी लगी है और चारों गेटों में भी लगी है एम्बिएंट लाइट, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है। और जो ये कपड़ा रहा है ये मयूर का साका लेदर रहा है, मयूर का साका लेदर रहा है और बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है गाइस, सच्ची मुच्ची मुझे बेस्ट सीट कवर लगा है अभी तक ये। आपको मैं आगे की बात करूँ लेके चल के, आगे हमने हेडलाइट के ऊपर DRL लगाई है, फोक लैम्प लगाए हैं और वाइट LED लगाई है हेडलाइट के अंदर, जैसे देखो आप DRL ऑन हो गई है, BMW लुक में DRL ऑन हो गई, ये इंडिकेटर वाली DRL है, इंडिकेटर मारेंगे वहाँ से येलो जाएगा, हेडलाइट ऑन करेंगे तो वाइट हो जाएगी, ये देखो गाइस हेडलाइट ऑन करिए, हेडलाइट वाइट, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका भी। और फोग लैम्प हमने येलो लगाए हैं बिकॉज फोग लैम्प येलो ही रहने चाहिए, फोग येलो ही काटेगी असली, मतलब वाइट रोशनी भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। और DRL जहाँ से रनिंग इंडिकेटर कर रहा वहाँ से रनिंग इंडिकेटर हो गया, येलो हो गया। आप डोर वाइजर तो आपने देख ही लिए थे, जिग जैग वाले क्रोम लाइन, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। आपको मैं पीछे से एक और फिटिंग दिखा दूं, कितनी बढ़िया लुक आ रही है गाइस, मुझे तो बहुत पसंद आया सीट कवर, बस मेंटेन रखना होता, वाइट कलर है मेंटेन होगा पर खिल के आता है ये कलर। अब रिस्पॉन्स चेक कर लो, हेडलाइट वाइट LED का रिस्पॉन्स चेक कर लो, वो भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी रोशनी है उसकी भी, डिपर मार के दिखा रहा हूँ आपको, देखो अच्छी रोशनी है बहुत। निसान मैग्नेट में काम हुआ, आप नंबर चेक कर सकते हो, वेस्ट बंगाल का नंबर है और 1500 किलोमीटर है वेस्ट बंगाल यहाँ से। आप कस्टमर का आपको रिव्यू दिखवा देता हूँ, मैं कस्टमर से आपसे बात करवाता हूँ सीट कवर, और आपने सारा काम तो हमने चेक कर लिया कैसा हुआ है, आपका कस्टमर से रिव्यू करवा देता हूँ। भैया की कार है, भैया आप कहाँ से आए हो? मैं तो ऐसे वेस्ट बंगाल से आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ मानेसर में रहता हूँ। मानेसर में रहते हो आप, कितने किलोमीटर है भैया वहाँ से? यहाँ तो मानेसर 50 किलोमीटर है, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल में गाड़ी खरीदा था। अच्छा, गुड़गांव ऐसे आप गुड़गांव में रहते हो वैसे? हाँ, गुड़गांव ऐसे कितने किलोमीटर है भैया? 50 किलोमीटर। भैया 50 किलोमीटर बाद हमसे मिलने आए हैं, है भैया, काम कैसा लगा ऑनेस्टली बताना भैया। काम जैसा सोचे थे, जैसा देखा था, इससे पहले मैंने भैया का वीडियो देखा था लैपटॉप का, तो बहुत ही अच्छा लगा था, और जैसा सोचा था वैसा काम वैसा ही हुआ, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही काम हुआ ना भैया, वैसे ही काम हुआ जैसे आप सोच के आए थे, बिल्कुल वैसे ही काम हुआ, बिल्कुल आपको काम बिल्कुल पसंद आया। सीट कवर की फिटिंग हमारा नेचर, हमारा नेचर ही बहुत पसंद आया आपको, पसंद आया। 10 में से हमें कितना स्टार देने वाले हो? 10 में से 10 ऑनेस्टली दिया हमें, 10 में से 10।